हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी का रहेगा और बीएससी में आपका मैथमेटिक्स चलेगा। आज बीएससी मैथ चलेगा आपका, और बीएससी मैथ में हमारा चल रहा था टेंजेंट एंड नॉर्मल चल रहे थे। टेंजेंट एंड नॉर्मल, और ये चैप्टर, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि 15 नंबर के और 7.5 नंबर में आपके आते हैं ये। और हाँ, लिमिट्स जिन बीएससी के स्टूडेंट्स की लिमिट जिनकी छूट गई है, लिमिट पढ़ने का एक और मौका है, तो वो 12th के बैच में आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने ये मोड वाले सवाल, जो कि बीएससी में भी 3 नंबर के सवाल आते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी पहली यूनिट है आपकी, 2 यूनिट हैं लिमिट और कंटिन्यूटी के ऊपर आपके सिलेबस में, और उसी के रिलेटेड 12th क्लास का जो लिमिट वाला चैप्टर है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला, वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आपके बीएससी में काम आएंगे और सवाल भी आते हैं डायरेक्टली, इसलिए इनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पर। आज का पहला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब तक हम किसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीख रहे थे, अब फाइंड करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट 1, a टू द कर्व। कर्व क्या आपको दे रखा है, वाई बराबर 2 + 3x - 1, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है मात्र, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और ये आ जाता है आपकी, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिएगा, जैसे आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली थी उसी तरीके से इसमें आप, जैसे आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी सेम उसी प्रकार से आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे, बशर्ते स्लोप का याद रखना है कि स्लोप यहां पर नॉर्मल का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है आपका, m इज इक्वल टू, स्लोप बराबर होता है आपका -1/m, और उसमें स्लोप क्या होता था, उसमें स्लोप डायरेक्टली m, तो यहां पर आपका क्या करना है, बस स्लोप का ध्यान रखना है, बाकी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम सीधे सीधे सवाल करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तब आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सॉल्यूशन देखिएगा, y बराबर आपका दे रखा है 2 + 3x - 1, ये दे रखा है, आपको करना क्या है, यहां पर से पहले dy/dx निकालेंगे, चलिएगा dy/dx निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का अवकलन 0, 3 आपका ये बाहर आ जाएगा और x का अवकलन हो जाएगा 1, तो 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, dy/dx आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ओके। अब यहां से बाद में आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1/m, क्या होता है, -1/m, और ये बराबर क्या है, आप लिखोगे -1/dy/dx, और एट जो भी आपका पॉइंट दे रखा है, वो हम किस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, 1, a पर निकालना चाह रहे हैं, तो -1/ ये चीज रखेंगे, ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, चलिएगा। यहां पर हमारा देखिएगा dy/dx में x होता तो वहां पर 1 रखते, y होता तो वहां पर a रखते, क्योंकि यहां पर x और y है नहीं, केवल 3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये -1/3 इतना आ गया, ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर x और y आपका है ही नहीं। चलिए अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, और एट 1, a इस पर निकालेंगे, तो ये आपका x0, ये आपका y0, y - y0 -1/m x - x0, ये है। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m, तो m की वैल्यू तो वही dy/dx एट पॉइंट वही होती है, तो ये आ गया, लेकिन यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो y - y0,
वाई माइनस वाई जीरो की जगह पर क्या है, ए है, बराबर माइनस वन अपॉन एम। माइनस वन अपॉन एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, डायरेक्टली माइनस वन अपॉन तीन है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, वन है, चलिए तीन की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तीन वाई माइनस तीन ए बराबर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे, थ्री वाई प्लस एक्स बराबर वन प्लस तीन ए, इतना लिख दीजिएगा, या हम इसको तीन प्लस एक्स प्लस तीन वाई बराबर वन प्लस थ्री ए लिख सकते हैं। दिस इज आंसर, यही आपका आंसर होगा। समझ में आई चीज़ें आपको, कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा जल्दी से आप बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही शानदार प्रश्न था जो कि आपका हो चुका है। एक चीज़ और मैं आपको सिखाता हूँ कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको इस वाले बिंदु पर चाहिए। याद रखिएगा, चाहे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो, ये वाले बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी कि सेटिस्फाई करेंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि ये बिंदु इसी कर्व पर कहीं ना कहीं मौजूद होगा, यानी कि ये वाले जो बिंदु हैं इसी कर्व पर होगा। जब ये इस कर्व पर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें यदि हम सेटिस्फाई करेंगे, ये बिंदु इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सवाल के उत्तर में ए आया है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये वाले पॉइंट इस इक्वेशन में रखेंगे ना, इस समीकरण एक मान लो इसको, जब इक्वेशन वन में रखेंगे तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। साइड में आप दिखा सकते हो कि वाई बराबर टू प्लस थ्री, एक्स की जगह पर आप लिख दोगे वन और वाई की जगह पर रख दोगे ए, तो वाई की जगह पर मैं ए रख दूंगा और एक्स की जगह पर रख दूंगा वन माइनस वन। तो ए की जो वैल्यू है ये तो आपकी जीरो हो जाएगी, तो दो बचेगी, तो ए की वैल्यू आप दो रख सकते हो, जो कि यहाँ पर भी रख सकते हो। तो एक्स प्लस तीन वाई बराबर वन प्लस दोतिया छः, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, तीन इंटू दो रख सकते हो, छः और एक सात हो जाएगा, तो एक्स प्लस तीन वाई बराबर सात आ जाएगा आपका, x प्लस थ्री वाई बराबर सात आ जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, जब आपका मन करे तो इस तरीके का भी आप लिख सकते हो, ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तो देखिए भाई, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, देखिएगा बहुत ही प्यारा सवाल है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट टी इजिकल टू पाई बटेड टू टू द कर्व। ये दो आपको कर्व दे रखे हैं, यानी कि x बराबर कुछ दे रखा है, y बराबर कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब x बराबर y बराबर दे रखा है, नो प्रॉब्लम, हमको dy अपॉन dx निकालना है, सिंपल सी बात ये है। तो हमारे पास में पहले ये है x बराबर आपका 1 माइनस ए और sin t दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले यहाँ पर क्या करोगे, dx अपॉन dt निकाल लो। एक्स ये टी में दे रखा है, ये वाई भी टी में दे रखा है, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। वन का अवकलन जीरो, माइनस ये ए बचेगा और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी, ठीक है, चलेगा। ऐसे ये वाई दे रखा है, वाई बराबर कितना दे रखा है, बी कॉस स्क्वेयर टी दे रखा है, तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बी तो जो कहते हो रहेगा इंटू कॉस स्क्वेयर, याद है तो एक्स स्क्वेयर का होता है 2x, उसी तरीके से कॉस स्क्वेयर है तो इसका हो जाएगा 2 कॉस t हो जाएगा, फिर कॉस t का करेंगे तो ये माइनस का साइन t हो जाएगा, क्योंकि जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से करते हैं, तो कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन t, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, और ये सारी चीज़ बाहर ले लेंगे, माइनस टू वी साइन t इंटू कॉस t, ये हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए डी y अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई वाला है तो डी वाई अपॉन डी टी पहले ले लेंगे, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी ले लेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, डी वाई वाई वाला पहले है तो डी वाई अपॉन ये कितना है, माइनस टू वी साइन टी इंटू कॉस टी, और ये कितना है डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस ए कॉस टी, ये है, चलिएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यदि हम इससे माइनस से माइनस कट जाएगा, कॉस्टी से कॉस्टी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, टू बी अपॉन ए साइन टी, इतना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कितने पॉइंट पर ले रहे हैं, एट
टी इज इक्वल टू पाई बट्टे टू लगाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट पाई बट्टे टू, तो ये कितना हो जाएगा टू बी इंटू साइन पाई बट्टे टू अपॉन ए हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो ये सीधे सीधे बचाएगा 2b अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, ये अभी यहाँ तक सवाल को समझ, सवाल को मत मान लेना कि यहाँ तक हो गया है, नहीं। अब देखिए असली खेल तो अब है, ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल का होता है -1 अपॉन m। ठीक है, और m क्या होता है, m यही चीज है, m ये निकली है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है ये। ठीक है, तो यहां से m का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, जो भी आपको पॉइंट दे रखे हैं वो, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है टी बराबर पाई बट्टे टू, इस वाले पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, ये चीज तो ये देखिएगा -1 अपॉन, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू थी वो कितनी आई है, टू बी अपॉन ए आई है, ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए अपॉन टू बी, तो ये आपका स्लोप निकल कर आ गया, यही आपका आंसर है, यही आपका स्लोप निकल कर आया है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें, ठीक, चलिएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माइनस ए अपॉन टू बी ये आपका स्लोप आ गया। जैसे आपको इच्छा लगे वैसे दर्शा सकते हो इसको m बराबर दर्शा सकते हो, या आप स्लोप लिख सकते हो इस तरीके से m बराबर -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन करे वैसा स्लोप लिख सकते हो। ठीक है, चलिएगा जल्दी से इसका कर लीजिए, फिर आगे एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है, आपके क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कहाँ है ये वाला क्वेश्चन जो ज्यादा बार आया हुआ है, ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x इजकल टू पाई बट्टे 3 टू द कर्व y इजकल टू साइन एक्स, इसका मान निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन करेंगे। पहले देखिएगा, हमको याद हो तो कि हमको पहले पॉइंट बनाने, पॉइंट पहले तो ये y बराबर दे रखा है ना, y बराबर आपका दे रखा है साइन x, हमको एक x, ये x बराबर ये पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ से पहले y बराबर भी एक पॉइंट निकाल लेंगे साइन, इस x की जगह पर हम पाई बट्टे 3 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा साइन पाई बट्टे 3, पाई बट्टे 3 का मतलब क्या है, 3 6 18 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है अंदर रूट 3/2, ये चीज़ जानते हो, साइन पाई बट्टे 3 की वैल्यू ये होती है। अब ये पॉइंट आपको क्या बन गया, क्योंकि पॉइंट आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, पॉइंट बना x की जगह पर तो ये है पाई बट्टे 3, ठीक है कॉमा, और y की जगह पर है आपका अंडर रूट 3/2, ये y की जगह पर है अंडर रूट 3/2, ठीक है, तो ये पॉइंट बन गए। अब आपको देखिएगा इक्वेशन चाहिए, एक आपको कर्व चाहिए और आपको पॉइंट चाहिए, जिस पर हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, चलिए पॉइंट हो गया, अब यहाँ से कर्व लेंगे, कर्व कितना दे रखा है साइन एक्स, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमको स्लोप भी निकालना है, चलिए पहले तो नॉर्मल स्लोप निकाल दो, नॉर्मल स्लोप क्या होता है, एम बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, आप ऐसा करिए पहले नॉर्मल स्लोप निकाला करो हर चीज़ का। ठीक है, चलेगा, कितने पॉइंट पर निकालना है, पाई बट्टे 3 कॉमा अंडर रूट 3/2, ये तो ये कितना हो जाएगा स्लोप, स्लोप हो जाएगा आपका एम बराबर जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर पाई बट्टे 3 रख देंगे तो cos x, यानी कि cos पाई बट्टे 3, cos पाई बट्टे 3 यानी कि कितना आ गया, cos पाई बट्टे 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो ये 1/2 आ गया m बराबर। याद रखिएगा ये स्लोप है, स्लोप है, लेकिन ये किस चीज़ का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप नहीं है, ना ही टेंजेंट का स्लोप, ये आपने नॉर्मल अपने आप मान लिया है हमने। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए,
यदि हमको ये कहता कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो तो यहाँ पर लिख देते हम -1/m, यानी कि इसको नीचे कर देते। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें को तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट किस वाले पॉइंट पर चाहिए, इस पर चाहिए, π/3, √3/2, ये है। ठीक, तो क्या होता है, y-y0 -1/m और x-x0। अब बढ़िया रहेगा, आपको बस सीधे m निकाल लो और यहाँ पर रख देंगे सीधी सीधी वैल्यू। ठीक है, तो ये है, तो ये आपका x0, ये आपका y0, तो y-y0 की जगह पर कितना है, √3/2 = -1/m। अब की बार देखिए, पहले मैंने यहाँ पर ये पूरी वैल्यू निकाल दी थी -1/m करके, लेकिन अब की बार हमारे पास m की वैल्यू है, तो -1/m की जगह पर रख दूंगा 1/2, क्योंकि अब की बार हमारे पास m की वैल्यू है, ना कि -1/m। -1/m की वाली वैल्यू निकालते जैसे पहले सवाल में करा था, तो वहां पर हम डायरेक्टली रखते। ठीक है, x-x0, x0 की जगह पर है π/3, चलिएगा ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो y-√3/2 = -2, x-π/3, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देख लीजिएगा, आप चाहो तो ये देखिए, यहाँ पर हमने दो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2y-2√3 = इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहो तो ऐसा करो, यहीं पे ये तो दो ऊपर चला गया, इधर वाले का एलसीएम यहीं पे ले लो, इस वाली लाइन में एलसीएम ले लो, दो एलसीएम ले लेंगे, दो की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2y-√3 हो जाएगा। अगली अगली संख्या में 2y-√3 = दो की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे -4x-π/3, इसको भी मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ, इसका मैं यहाँ पे एलसीएम ले ले रहा हूँ 3, तो ये हो जाएगा 3x-π, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, चलिएगा। अब इसका मतलब ये क्या है, 3 नीचे है, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 3 × 6y-3√3 = -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 12 x-, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +4π, ये हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6y, ये इधर आएगा तो +12 x = ये 4π है, ये उधर जाएगा तो +3√3, ये हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाएगा आंसर, यही आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाएगा, 12x+6y = 4π + 3√3, ये है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, 3 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, 3 × 2 = 6, और -3√3, -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 12 x, माइनस माइनस हो जाएंगे +4 x, ये 12 x इधर जाएगा प्लस का, ये 6 x ये रहा, ये इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा 4π ये रहा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए कुछ अब आगे की चीज़ें और आगे की करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब की बार देखिए कुछ हटके है प्रश्न। प्रश्न क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3x³ - 3x = y इज y = 6x - 6। मतलब ये है कि अब की बार आपको पॉइंट तो फाइंड करने हैं, ये आपको कर्व दे रखा है जिसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए, आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे हम, सीधी सीधी बात है, गिवन क्या है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी दे रखी है y = 6x - 6, समीकरण एक मान लो। कर्व आपको क्या दे रखा है, कर्व हमको दे रखा है ये बराबर ये दे रखा है, या आप लिख सकते हो y = ये 3x³ - 3x, भाई ये बराबर ये दे रखा है, या आप ऐसे करिए y = ये दे रखा है पूरी वैल्यू। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया y बराबर। अब जैसे आपको पॉइंट फाइंड करने हैं कि ये इस कर्व के किस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतनी आएगी, अब के उल्टा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है जैसे आपने किया है वैसे करेंगे। ठीक है, चलिएगा, हम लेट हम सपोज मान ले रहे हैं, लेट द पॉइंट, हमने पॉइंट मान लिए h, k, ये पॉइंट हमने h, पॉइंट मान लिए। ठीक
ठीक है। अब इस एच कॉमा पॉइंट पर इस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इसके बराबर रख देंगे तो आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। यही काम तो करते हैं, चलिएगा करते हैं, क्योंकि हमको ये दे रखा है। यदि ये ना दे रखा होता तो इस इक्वेशन की इस वाले पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, वही काम करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये वाई बराबर आपको दे रखा है 3x की पावर 3 - 3x। यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो 3 * 9 x² - ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे किस पॉइंट पर, एच कॉमा के पर। एच कॉमा के पर क्या हो जाएगा, एच कॉमा के पर डायरेक्टली ये हो जाएगा आपका 9x² सॉरी एक्स की जगह पर एच रखेंगे तो 9 h² - 3 ये आ जाएगा। और ये आपका क्या है, हो जाएगा स्लोप, हो जाएगा स्लोप, ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप, स्लोप डायरेक्टली ये निकल आया। लेकिन अब की बार देखो ध्यान से समझिएगा, स्लोप हमने निकाल दिया, हमको क्या चाहिए था, हमको तो एच कॉमा के मान चाहिए, इसके मान। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, किस वाले पॉइंट पर, एट एच कॉमा के पर। एच कॉमा के पर यदि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, y - y₀ m x - x₀। नॉर्मल की इक्वेशन में यहाँ पे -1/n m आता है और जबकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में केवल m आता है। तो ये आपका x₀, ये आपका y₀, तो y - y₀ की जगह पर k बराबर m, m की जगह पर क्या है 9 h² - 3 और ये x माइनस ये क्या इतना है इसकी x₀ h की जगह पर x₀ की जगह पर h आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y - k बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे हम, 9 h² x, फिर 9 h³, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3x और -3h हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम x x के ने एक तरफ रखेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये वाला x है, ये वाला x है, इन सब को इधर ले आएंगे, y ये हो जाएगा +3x हो जाएगा, इस वाले को लेके आए, अब इसको लेके आएंगे -9 h² x हो जाएगा बराबर। ठीक है, और ये आपका 3h बचा, ये -9 h³, और ये भी k उधर चला जाएगा, +k हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब चाहेंगे तो हम इसमें से y + x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3 - 9 h² और यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, ये आपका 3 h - h³, 9 h³ +k ये आपका बचा। ठीक है, तो देखिएगा ये यहाँ तक हो गया आपका पूरा समीकरण एक, इसको समीकरण दो मान लो। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि यदि हम अपने हिसाब से देखें, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हमारा इस इक्वेशन की इस वाले पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल कर आई है ये, लेकिन सवाल कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली चीज का यूज करके हम यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एच और के की। उसके तरीके कई सारे होते हैं, या तो इसके हम गुणांकों की तुलना कर लें क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये दोनों बराबर हैं, या हम यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि इस y की वैल्यू इतनी है तो ये हम इस वाले में रख सकते हैं, तो यहां से भी आपका ये x वैक्स सब कट जाएगा और h और k निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये ऐसे ना करके हमारे पास में सिंपल तरीका ये है कि ये वाली जितियो इक्वेशन है ये भी इसको इसको सेटिस्फाई करेगी, किसको, इस वाली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगी, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि ये बराबर हैं, और ये वाले पॉइंट इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इनका यूज करके बहुत ही सिंपल तरीके से इसका फाइंड कर लेंगे वैल्यू। चलो तो करते हैं, सबसे पहले हम सीधे सीधे कंपेयर करके कर लेते हैं जो कि हमने पहले से ही करते आ रहे हैं। देखिएगा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों हैं तो इसमें कंपेयर करके ज़्यादा ईजी हो जाता है, कोफिशियंट की कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर तभी करोगे जब ये और ये दोनों की दोनों इक्वेशन एक ही रूप की हो। जैसे कि ये y बराबर दे रखा है तो इस वाली समीकरण को भी हम y बराबर मान लेंगे, तो y बराबर कैसे मानेंगे, तो y बराबर इसको ही उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3 - 9 h², ठीक है, और x ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे
ये वाली चीज़, ये इधर जाके माइनस का हो गया, ये आपका पूरा का पूरा प्लस में रहेगा, 3H-9H³ + k, ये ठीक है, ये जो कहते हैं रहेगा, ये समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इनकी कोफिशिएंट की तुलना करेंगे, यानी कि इक्वेट कर देंगे हम इनको, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 और 2, पहले और दूसरी समीकरण के कोफिशिएंट की तुलना कर दो। देखिए ये वाई बराबर है, ये भी वाई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें वाई का कोफिशिएंट कितना है, चलिए इसको मैं मिटा दूँ, यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ, इसको देखिए यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा इधर पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है, वाई का कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट देखिएगा, इसका कोफिशिएंट भी 1 है बराबर, इसका एक्स का, पहले इसका, इसके एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, इसके एक्स का कोफिशिएंट, इसके एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये पूरा -3 - 9H² ये है बराबर, इसका पूरा कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है ये पूरी 3H - 9H³ + k, ये है। बस इनका आपको क्या करना है, अब इनसे ही सॉल्व करना है, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, वाई का कोफिशिएंट 1, उधर वाई को 1, इधर एक्स की, एक्स छोड़कर बाकी कितना, इतना है, उधर एक्स छोड़कर बाकी कितना, 6 है, इधर पूरा इतना है, इधर पूरा 6 है, तो ये चीज़, तो क्योंकि भाई दोनों इक्वेशन एक ही चीज़ को बता रही हैं, तो हमने उसकी तुलना कर दी कोफिशिएंट की, ठीक है। अब इनमें से हम देखिएगा, इस वाली चीज़ को ले लो, इस वाली, पहले इसको ले लो, तो ये क्या है, 1/1 = 6/-9H², इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये इस तरीके से था, माइनस बाहर, ठीक है, ये इधर करेंगे तो ये -3 9H² बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये 6 ही रहेगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये +9H² = 6, ये इधर चला जाएगा तो 9H² = 6+3 हो जाएगा, 3 इधर चला गया तो 9H² = 6/3 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो H² = 1, तो H = √1, तो H = ±1 आ जाएगा, क्या आ गया, ±1, H की वैल्यू तो निकल आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका, इसको और इसको करेंगे, इसको और इसको करेंगे, इसको और इसको, पहले और इसको ले लीजिए, तो 1/1 = -6/3H - 9H³ + k, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3H - 9H³ + k = -6 ही रहेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। अब यदि मैं H = 1 ले रहा हूं, मैं क्योंकि H के दो मान आए, प्लस का 1 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 9 + k = -6, तो यहाँ से देखिए तो ये बचेगा -k6 + k = -6 और k = -6, ये प्लस का 6 उधर चला जाएगा, 0 आ जाएगा, k का मान आ गया 0, तो एक बिंदु बन गया, एक पॉइंट आपका बन गया, के h, k, तो यदि मैंने h का मान कितना 1 लिया है तो k का मान कितना आया है, 0 आया है, पहला पॉइंट तो ये बन गया। इफ H = -1, जब H का मान माइनस का 1 लूंगा तो यहीं से देखिएगा -3 हो जाएगा, H का मान -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का रहेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और ये आपका +k = -6, 9 में से जाएंगे तो 6 बचेंगे, +k = -6, तो यहाँ से निकालेंगे तो k = -12 आ जाएगा, माइनस का 12 क्यों, 6 उधर चला जाएगा, -6 - 6 - 6 - 12, ये आ जाएगा, ये कब आया, यहाँ से आपका एक पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से आपका पॉइंट बन जाएगा कितना, h का मान यदि मैंने माइनस का 1 लिया, h का मान यदि मैंने माइनस का 1 लिया तो k का मान -12 आया, तो ये चीज़ आपके दो पॉइंट बन गए। कौन कौन से पॉइंट बन गए भाई, इस इक्वेशन का एक पॉइंट बना आपका 1, 0 और एक बन गया -1, -12,
तो इन दोनों पॉइंटों पर, इस पॉइंट पर हम इस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तब भी इतनी आएगी, या इस कर्व की इतने पर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर भी इतनी आएगी। तो ये दो पॉइंट हैं जिस पर इस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतनी आएगी। तो आई होप कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के यदि हम पॉइंट निकालने पड़े तो पॉइंट निकाल लोगे। पॉइंट के लिए आपको एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी होती है, दूसरी हम एच कॉमा के पर मानकर निकालते हैं, लेकिन उसी तरीके की समीकरण बनानी होती है जिस तरीके की आपको दे रखी है। यदि इस तरीके की दे रखी है तो आपको इसी तरीके की एक इक्वेशन बनानी है। तो जैसे हमारा वाई बराबर था तो ये बना दिया, वाई बराबर मिटा दिया है वो, फिर उसके कॉफिशियंट की तुलना करते हैं, और कॉफिशियंट की तुलना करने के बाद इस तरीके की तीन बनेंगी जिसमें से जो इजी इजी है पहले उससे आपको मान फाइंड करने होते हैं एच और के के। तो एच और के दोनों के मान आपको निकल कर आ गए हैं, तो कितने कितने आए हैं ये आपको पता ही चल गया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसमें कौन सा था ये सवाल, चलिएगा ये हो गया। तो एक तो -1,12 है और एक आपका ये हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओहो ठीक, चलिए यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ इसी तरीके का है, परवलय के ये देखिएगा उस स्पर्श रेखा का समीकरण जो इसके समानांतर है। चलिए पहले तो हम इसके बिंदु निकाल लेते हैं, एक और बिंदु निकलवाता हूँ आपको मैं।